23 फरवरी का दिन निरंकारी जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का अवतरण दिवस होता है, जिसे निरंकारी भक्त गुरु पूजा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष उत्साह पूर्वक मनाते हैं। इस बार 23 फरवरी 2016 को गुरु पूजा दिवस के अवसर पर देश भर में वृक्षारोपण तथा स्वच्छता अभियान चलाकर निरंकारी भक्तों ने सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का 62वां जन्म दिवस मनाया। इस अभियान का शुभारंभ हुजूर बाबा जी ने अपने पावन कर कमलों द्वारा दिल्ली में बुराड़ी स्थित समागम ग्राउंड में वृक्ष लगाकर किया। गौरतलब है कि निरंकारी मिशन के द्वारा समय समय पर अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य संपन्न किए जाते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से जहां स्थान स्थान पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता रहा, वहीं स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2015 से प्रत्येक माह में एक दिन देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सफाई भी की जाती रही। इसी लड़ी में 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों की निरंकारी मिशन के सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा सफाई की गई। प्रातः 6 बजे से ही राजधानी दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, जग प्रवेश चंद्र अस्पताल तथा डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में नीली तथा खाकी वर्दी पहने हजारों की संख्या में निरंकारी भक्त इन अस्पतालों में पहुंचने लगे और अलग अलग टीमें बनाकर सफाई की शुरुआत की। उन्होंने न केवल अस्पताल के अंदर OPD वार्ड्स, क्लिनिक, मेन हॉल, रिसेप्शन और प्रयोगशालाओं को साफ किया, बल्कि अस्पताल के बाहरी स्थानों जैसे टॉयलेट्स, वेटिंग रूम्स, पार्किंग आदि की भी बेहतर ढंग से सफाई की। दिल्ली का लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल इस अभियान का मुख्य केंद्र रहा। यहां 1000 से भी अधिक की संख्या में निरंकारी सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स ने होली सिस्टर्स श्रीमती मोहिनी आहूजा तथा श्रीमती बिंदिया छाबड़ा जी की अगुवाई में अपनी सेवाएं अर्पित की। इस अवसर पर भक्तों की हौसला अफजाई के लिए निरंकारी मिशन के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। समर्पण और उत्साह पूर्वक जुटे हुए इन भक्तों के भाव भी बेहद सराहनीय थे। निरंकारी भक्तों का उत्साह और समर्पित सेवा भावना देखकर अस्पताल के स्टाफ तथा आगंतुक चकित थे और वो मिशन के इस अभियान की प्रशंसा करने से अपने को रोक ना सके। ये चैरिटेबल मिशन जो है निरंकारी, बहुत सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। ये समाज को एक नई दिशा और समाज की दशा सुधारने में बहुत जितने प्रकल्प चल रहे हैं, वाकई में मेरे को पूरा विश्वास है समाज की दिशा भी सुधरेगी, समाज की दशा भी सुधरेगी। आज तो कार्यकर्ता लाखों में है, करोड़ों में संख्या पहुँचेगी, क्योंकि जो प्रकल्प है वो समाज सेवा के प्रकल्प है, मानवता की सेवा के प्रकल्प है। तो निरंकारी मिशन की तरफ से जिस प्रकार से निभाया जा रहा है, आने वाली पीढ़ी को एक सीख मिलेगी और एक अच्छे कॉज के लिए जो मिशन ने शुरुआत की हुई है, उसके लिए मैं कहूंगा कि आपको बाबा जी का इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए जितनी भी आवश्यकता दिल्ली सरकार से हमसे आपको सहयोग चाहिए, हम उसमें आपके साथ हैं और दिल्ली स्वच्छ का हमारा नारा है, हम सिर्फ स्वच्छता में आप साथ दे रहे हैं। इसके लिए फिर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग भी अपने एरिए में सफाई रखेंगे, इससे लोगों को एहसास हो रहा है और हमारा अस्पताल तो अक्सर अब सफाई रहता है और जो भी परेशानी थी अब दूर हो रही है। आज संत निरंकारी मंडल की तरफ से 23 फरवरी को आप लोग आए और हमारे स्पेशली जो हॉस्पिटल की पेरिफेरी है, बाउंड्री वॉल के बाहर जो एरिया है, उसमें सफाई की रेगुलर व्यवस्था नहीं है। वो उसको आप लोगों ने सुचारू रूप से सफाई की है। इस एरिया की एरियाज में जाकर आपने जो सफाई की है, उसका मैं आपका बहुत बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ।
अभियान चल रहा है हमारे देश में, उसके प्रति समर्पित होकर जो संत निरंकारी मिशन है, हमारी संत निरंकारी फाउंडेशन है, और ये हम सफाई करने, आज हम 120 इंडिया के जो मेन हॉस्पिटल्स हैं हम वहाँ सफाई कर रहे हैं, एंड जो सिटीज़ हैं वो अबाउट 108 सिटीज़ हैं जहाँ पे अभियान चल रहा है, और आज थरली बहुत अच्छी तरह हम सारे ये हॉस्पिटल्स को साफ़ करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी सफाई हैदराबाद में भी चल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधी हॉस्पिटल में चल रही है, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में संत महात्मा और वॉलंटियर्स सब सेवा कर रहे हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के जो सेवादार हैं, जो मेंबर्स हैं, दे आर 1,90,000 इन टोटल नंबर इन अक्रॉस द कंट्री, एंड लगभग 2,700 ब्रांचेज हैं, और बाहर भी 40 कंट्रीज़ में 400 ब्रांचेस बेसिकली इस संस्थान की हैं, और ये साथ साथ रेलवे स्टेशन का भी सफाई का कार्यक्रम साथ साथ कर रहे हैं, जिसमें हर महीने एक दिन एक साल के लिए लगभग 49 स्टेशन पे ये कार्य जो है ये चलाया जा रहा है। शाम को दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित समागम ग्राउंड में सत्संग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भरपूर संख्या में भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पत्र भेजकर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और समस्त साध संगत को शुभकामनाएं दी। हुजूर बाबा जी ने भक्तों की सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए उन्हें तन मन धन के सुख का आशीर्वाद प्रदान किया। मिशन जो योगदान लगातार देता जा रहा है, ये प्रेम भाईचारे का, मिलाने का, मिलकर चलने का, दुख सुख में शामिल होने का, जैसे आज के दिन भी, यूँ तो साल भर में सेवाएं होती हैं, आज भी सुबह कितने हॉस्पिटल्स में जहां पर पहले ही रोगी जाते हैं उपचार कराने के लिए, लेकिन वहां गंदगी इतनी होती है कि और ज़्यादा रोग लग जाते हैं, तो उसके लिए भी इस बार जो साध संगत ने ऐसे हॉस्पिटल्स में अनेकों देश भर में ये सफाई अभियान चलाया, जहाँ पर अभी भी रेल मंत्री जी का जो मैसेज पढ़ा गया, तो वो तो रेलवे स्टेशंस के ऊपर तो पहले ही हर महीने महापुरुष बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं, और वो भी अपने आप में एक सीख है, एक शिक्षा है, जो देशवासियों को अनुकरण करने की दातार तौफीक दे, और यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे, आप सभी को खुशियां प्रदान करें, तन मन धन के सुख प्रदान करें, और सभी मिलजुल कर इस परोपकार में योगदान देते रहे। साध संगत जी, धन्यवाद।